पोजीशन कैसे निकालना है आपको, ठीक है? कुछ नहीं करना, प्लेन की वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी जा रहा होगा प्लेन, है ना? तो मान लो ओमेगा प्रिसीजन आपको निकालना है, तो ओमेगा प्रिसीजन क्या होगा, प्लेन किसी वेलोसिटी जा रहा होगा और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस कुछ नहीं करना, ऐसे प्रिसीजन निकलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। तो कंटिन्यू करते हैं गायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है? एरोप्लेन में कैसा जायरोस्कोपिक स्कोपिक इफेक्ट होता है वो अपन देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है? तो इसके अंदर कुछ टर्म्स आपको याद करनी है जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है। आपको फ्रंट को नोज़ बोलना है, फ्रंट नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आएगा नोज़, ठीक है? और पीछे आपको टेल आएगा या रेयर आएगा। तो रेयर तो सबको पता है पीछे होता है, बट आपको क्या बोलेगा क्वेश्चन में, टेल वर्ड यूज़ करेगा। फ्रंट को नोज़ है, पीछे वाले को टेल है, ठीक है? अब अपन इसमें ये देख रहे हैं कि राइट ये प्लेन कैसे है, ये प्लेन ऐसा है, ठीक है? ये प्लेन में जब ये प्लेन लेफ्ट टर्न करेगा, मतलब ये प्लेन का जो बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं रहने दो, जब प्लेन का बोर्ड है मतलब बोर्ड में प्लेन है, मतलब इस तरीके से अपना प्लेन है, और जो एक विंग है इस साइड है राइट में, और दूसरी इसकी जो ये वाली साइड है, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये बोर्ड के अंदर है, ओके, अंडरस्टूड? ये प्लेन आगे जा रहा है। अब ये प्लेन कैसे, ये प्लेन राइट या लेफ्ट मुड़ेगा? मान लो ये अपन कहते हैं, यहाँ पर मैं बोलूँ इसको लेफ्ट, मतलब लेफ्ट टर्न लिया, और ऐसे मान लो प्लेन ने राइट टर्न लिया। वीडियो चल रहा है ना? हाँ, ठीक है। प्लेन ने लेफ्ट लिया, प्लेन में राइट टर्न लिया, तो नोज विल गो अप, नोज विल गो डाउन, टेल विल गो अप, टेल विल गो डाउन, ऐसे टाइप से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, वो आपको देखने हैं। और जो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से पूछो, कैलकुलेशन वो तो बहुत आसान है, अपन सब डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले कैसे देख रहे हैं, ओमेगा प्रिसीजन कैसे निकालना है आपको, ठीक है? कुछ नहीं करना, प्लेन की वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी जा रहा होगा प्लेन, है ना? तो मान लो ओमेगा प्रिसीजन आपको निकालना है, तो ओमेगा प्रिसीजन क्या होगा, प्लेन किसी वेलोसिटी जा रहा होगा और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस कुछ नहीं करना, ऐसे प्रिसीजन निकलेगा अपना, ठीक है ना? यहाँ छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। अब इतना डालो, इतना हेडिंग डालो, अब हेडिंग डालो फर्स्ट, कैसे डालो, प्लेन ऐसे लिखो, व्यूड फ्रॉम नोज, कहाँ से देख रहे हैं, ये डालो हेडिंग डालो। नोज का ऐसा करो, नोज का बाद में करवाते हैं, लिखो व्यूज फ्रॉम रेयर, पीछे से देख रहे हैं, ठीक है ना? इसको मिटा देते हैं यहां पर। ये व्यू है अपना, यहां पर बना रहा हूं मैं, ये व्यू है, व्यू फ्रॉम टेल, क्या है अभी अपन कर रहे हैं। अच्छा, इधर तो दिख नहीं रहा होगा यार, ये साइड थोड़ी दिख रहा है ना, ये साइड दिख रहा है, ये दिख रहा है कैमरे में, कौन सा पार्ट नहीं दिख रहा, ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा क्या, नहीं लाइट आती है ना, लाइट, हाँ ना, वही तो बोल रहा हूँ। तो हाँ, तो पहला लिखो व्यू फ्रॉम टेल, टेल बोलो या रेयर बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? पर दोनों टर्म याद करनी, कभी कभी शायद टेल भी यूज़ कर ले, रेयर यूज़ कर ले, डिपेंड करते हैं एग्जामिनर पे, रियर, ठीक है? व्यूड फ्रॉम रियर और इंजन रोटेट्स, व्यू फ्रॉम रियर इंजन रोटेट्स क्लॉकवाइज, ठीक है? अरे प्लेन में इंजन होगा ना, मान ले तो यहां इंजन है, ठीक है, यहां मान ले इंजन है भाई, ठीक है? व्यूड फ्रॉम रियर इंजन रोटेट्स क्लॉकवाइज, ये क्वेश्चन आया था बाय द वे, प्लेन से क्वेश्चन आया था 2019 में, अभी दिस ईयर इससे क्वेश्चन आया था प्लेन से, ठीक है? एक नंबर में क्वेश्चन था, नोज विल गो अप या डाउन में, ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है ना? इंजन रोटेट्स क्लॉकवाइज, ये क्वेश्चन है,
तो अब मुझे ये बताओ, व्यूड फ्रॉम टेल, तुम बता दोगे, अभी तक तुमने लेक्चर देखे है ना, जैसे अपना क्या होता था, वो पूरी पूरी शाफ्ट था ना, शाफ्ट जैसे अपन बोलते थे ना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ और ऊपर से देख रहा हूँ, तो ऊपर से एक्चुअली क्या करता था वो, पूरा पूरा जो इंजन के साथ जो डिस्क लगी रहती थी वो ऐसे रोटेट करती थी क्लॉकवाइज एंटीक्लॉक, ये क्या देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहे प्लेन को, गया छोड़ छोड़ो, यहाँ व्यूड फ्रॉम, यहाँ से देख रहे हो व्यूड फ्रॉम रेयर, और प्लेन रोटेट्स लेफ्ट, पहला स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताओगे कि नोज ऊपर जा रहा है कि डाउन जा रहा है, आप बताओ मुझे, ठीक है, एक बार बताओ, खुद कोशिश करो, फिर अपन यहां पर करेंगे। तो इंजन रोटेट्स क्लॉकवाइज, साथ में क्या कर रहा हूं, प्लेन कहां से कहां पर मूव कर रहा है, लेफ्ट में, प्लेन लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। अब मुझे बताओ, तो चलो एक मैं बता देता हूं, सुनो सुनो सुनो, वेट करो, एक मैं बता देता हूं, फिर तुम बाद में देखते रहना, इधर देखो, मन में रखो आंसर, मन में देखो, ठीक है ना, ये है व्यूड फ्रॉम टेल टू नोज, इतना क्लियर है। और अपन अंदर घुसने वाले को हमेशा राइट से बना रहे थे, तो लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट ही रहा ना। अब देखो ये क्या हो गया, एक्टिव, ये रिएक्टिव, नोज विल गो अप, सिंपल है। तो देखो ये एक्टिव, और उसके बाद, और ये रिएक्टिव, और जो रेड वाला है वो कहां पर है, ये अंदर है बोर्ड के, बोर्ड के अंदर है ये, क्योंकि लेफ्ट मुड़ रहा है ना। तो इससे क्या कंडीशन आती है, इस वाली कंडीशन से हमको क्या मिलता है, इस वाली कंडीशन से नोज गोज अप। क्या मेरे को समझाने की जरूरत है कि समझ गए हो, अच्छे समझा दो एक बार, एक बार वापस बता दूं, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखो सर, जो रिएक्टिव टॉर्क है ये हमें प्लेन हमें दे रहा है ना, या वो गायरोस्कोपिक इफेक्ट जो लगा रहा है, प्लेन ही लगा रहा है ना, वापस हम दे रहे हैं उसको, मान लो हम मोड़ रहे हैं, कहते हैं इसको लेफ्ट में, लेफ्ट में से, तो जो तुमको रिएक्टिव मिला है वो वापस तुम पे मिला है, सिस्टम पे, तो उस वजह से प्लेन ऊपर जा रहा है, अच्छा वो प्लेन ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है ना, इस वजह से, ठीक है। तो क्या वही, तो एक्टिव रिएक्टिव, एक बार पुराने लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा क्या होता है एक्टिव रिएक्टिव, ठीक है ना। ये देखो, इंजन रोटेट्स क्लॉकवाइज, ढंग से देख लो, ये रहा हाथ मेरा, इंजन ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, हाथ ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम अंगूठा का दिखा रहा है, यही है भैया, क्लॉकवाइज घूम अंगूठा सामने आ गया ना। अब प्लेन कहां पर, लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, देखो इधर देख लो, प्लेन लेफ्ट में, ये गया लेफ्ट, यहां से ये गया यहां, है ना, फिर से गेरा क्लॉकवाइज यहां से लेफ्ट, तो ये चीज क्या करूंगा मैं, एक्टिव रिएक्टिव, हाथ खोल दो, ऊपर आ गया ना, देखो करके, अपन हाथ जो है ना ये यहाँ ऐसे लेके जा रहे हैं, हाँ अब ये ये चीज को हम ऐसे करके लेके जा रहे हैं, ऐसे भी तो जा सकता है, अब करके इसको बताओ, रिएक्टिव कर रहे हैं, करो करके बताओ, नहीं हो सकता, हाँ ये करो, वाला हाँ चीज क्या हाँ है, ठीक है, ये कितना पे हुआ, हाँ अब इस तरह लेके गए, हाँ ठीक है, करके यहाँ बता पे दो, आया, अब हाँ ये तो पता नहीं चल रहा है हाँ तो कि करो ना, और उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते तुम, इसके अलावा ऐसे ही करना पड़ेगा तुमको, करके नहीं, ये देखो, तो अभी लग ही नहीं रहा है कि हम इसको कहाँ करें, ये तो लग रहा है हाँ इस साइड होगा इस तो साइड कुछ नहीं होगा, कर पा रहे ना, तो थोड़ा हाथ को यूं ही रख लो ना, ऐसे करें या हाँ ऐसे करें, ऐसे करके तो कर ही नहीं सकते, क्या करोगे इसके अरे, ऐसे कर हाँ अब क्या करो बोल रहे हैं, करो ना, ऐसे हो गया अब इसका रिएक्टिव लगा नहीं 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 को, तुम सामने ही नहीं कर पा रहे ना उस चीज को, फिर भी चलो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये देखो कुछ नहीं करो, इतना जाओ खत्म, यहां जाओ बस, ऐसे से ऐसे, ये आ गई, कुछ नहीं करो, ये हाथ था ना, इसको ऐसे ही रखो और यही होगा, सिंपल सी बात है, बोलो आप, मैं क्या हूँ, जैसे मुझे एक्टिव एक्टिव लगा कौन रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे एक्टिव तो हम दे रहे हैं, उसको कहते हैं अपन ने लेफ्ट किया ना लेफ्ट एक्टिव, मूव करने और के रिएक्टिव वापस सिस्टम ने मारा है, अपन ने तो सिस्टम को दिया और सिस्टम ने हमको वापस दिया, उस वजह से नोज ऊपर गया नहीं, सिस्टम ने हमको दिया, हमें किसको दिया, मशीन को दिया कि स्टेरिंग को दिया, पूरे सिस्टम को, जैसे आपने क्या करा, ये पूरा प्लेन आपका सिस्टम है, आपने सिस्टम को छेड़ने की कोशिश करी, तो सिस्टम ने आपको छेड़ा तो नोज ऊपर हो गया, समझ रहे हो, आपने सिस्टम पे एक्टिव मारा मारा और पूरा सिस्टम, जो सिस्टम है ना पूरा, जैसे यार मेरी मान लो आपने, हाँ वो जो रिएक्टिव अपने को मिल रहा है उस वजह से नोज को ऊपर होना पड़ रहा है, समझने की कोशिश करो, यही तो होता है बेसिकली, जब वही तो डिस्क में बताया था ना कि आपने डिस्क चल रही है तो डिस्क को हॉरिजॉन्टली रखना है भाई, हॉरिजॉन्टल रखने के लिए इसको क्या करा हमने,
हमने लेफ्ट की तरफ उसको घुमाने की कोशिश करा, तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, उस एम जी से भी वो डिस्क ऐसे से घूम रही, तो क्या कर रहा है वो, अरे यार प्लेन का कंसेप्ट ही है ना, अगर डिस्क को मैं ऐसे से घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, उस क्वेश्चन में क्या था, डिस्क को मैं यहाँ से फिक्स था और यहाँ से डिस्क फ्री था, फ्री हैंड से थोड़ी वो किसी भी डायरेक्शन रोटेट कर सकता था, आपने कुछ नहीं करा, नीचे एम जी लग रहा था, वो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जाम्पल, नीचे एम जी लग रहा था, आपने कुछ नहीं करा, उसको अंदर की तरफ फेंका, अंदर की तरफ फेंका, इस वजह से बेचारी हॉरिजॉन्टल रह पा रही थी, नहीं तो नीचे गिर जाती। बोलो हाँ वही है। अरे यार तुम मेरी बात सुनो, वो डिस्क है ना, सुनो तो मेरी बात, डिस्क ऐसे से घूम रही थी और साथ में यहाँ फिक्स, मान लो मेरा हाथ यहाँ से फिक्स्ड है, ये मेरा किसी भी डायरेक्शन रोटेट कर पा रहा है ना, कर पा रहा है, अब यहाँ पर लगी है, इसको तुम घुमा रहे हो, मेरी बात सुनो, ठीक है, ये घूम रही है, पर यार नीचे एम जी तो लग रहा है, ये तो नीचे गिर जाएगी, घूमते घूमते भी नीचे गिरती है ना भाई, आपने कुछ नहीं करा, आपने नहीं रोकने के लिए उसको, नीचे नहीं गिरने के लिए आपने यहाँ घुमा दी उसको, चाहते ऊपर लगे और बैलेंस हो जाए तो सीधे सिर्फ इस डायरेक्शन में घूमती रहे, ऐसे होता है चीज़ें, आपने उसको नीचे नहीं गिरने दिया, बस यही तो चीज़ चल रही है। हेलीकॉप्टर में भी, हेलीकॉप्टर में भी ये कंसेप्ट होता है, हेलीकॉप्टर देखा है ना, हेलीकॉप्टर में वो पंखे का यही कंसेप्ट होता है बेसिकली, छोड़ो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, तुम क्वेश्चन करना है यार, समझ में आ गया तुमको, ठीक है ठीक, अभी क्लियर हो गया ना, ठीक है अभी क्लियर हो गया, चीज़ें क्लियर है, क्वेश्चन निकल रहा है ना यार, डीप लेना तो कोई दिक्कत नहीं, बट अभी समझ में आ गया ना चीज़, अभी समझ में आ गया, ठीक है, ये करना है ऐसे, ठीक है, इसको क्या करो, लेफ्ट कर कर, प्रॉब्लम हो रही ना इसमें, एक बात और डाउट है, जो भी अपन लेफ्ट राइट लेंगे वो व्यू से लेंगे या मतलब अपने बॉडी के अनुसार, नहीं नहीं यार व्यू बोला ना, यहां से देख रहे हो तुम, हम यहां से देख रहे हैं तो अपना राइट और लेफ्ट ले रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल ही लगाना है, तो राइट ही लोगे ना हाथ, तो कभी कभी ये हो जाता ना कि मैं वो एरोप्लेन का मैं लेफ्ट राइट लूं, एरोप्लेन के तो लोगे, देखो व्यू, व्यू लिखा है ना, व्यूड फ्रॉम टेल, यहां से देखो, अब एरोप्लेन कैसे जा रहा है, करेंगे यू भी देखेंगे, व्यू फ्रॉम नोज से भी अपन राइट लेफ्ट घुमाएंगे, टेंशन मतलब, हाँ तो देखो यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो आप प्लेन कैसे, हाँ भैया यहाँ से देख रहे हैं, क्लॉकवाइज तो इंजन घूम रहा है, प्लेन गया लेफ्ट में, तो ये गया एक्टिव, ये हुआ रिएक्टिव और नोज गया ऊपर, यही क्वेश्चन आया था अभी अभी 3 महीने पहले, ठीक है, फील लेने लगते तुम भी, ठीक है हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब करूं मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूं, इतना क्लियर हो गया, नोज गो अप, एंटी क्लॉक करते बस, लेफ्ट है सब कुछ वही है, नोज कहां पर आएगा और ये पूरा डायग्राम मिटेगा, ठीक है चलो बताओ, नोज ऊपर ही जाएगा, हो ही नहीं सकता उल्टा, तो हो ही नहीं सकता, डायरेक्शन चेंज कर दिया, नोज ऊपर नहीं जाएगा, हाँ एक बार देखते रहना यार, ये बंद ना हो जाए कैमरा, है ना, अच्छा मैं कर लूँ इसको, और भी तरीके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, हाँ बोलो, अरे सुनो ना, लेफ्ट आने के लिए क्या करो, सुनो डायरेक्शन ऐसा आ रहा है ना तुम्हारा, अभी ऐसा आ रहा है ना, सुनो कुछ मत करो, कोई बड़ी सी स्टिक पकड़ लो, कोई स्टिक है अपने पास, पेन है ना, ठीक है ये, अब सुनो ये लेफ्ट मुड़ रहा है, तो देखो ना ये जा रहा है ना, तो ये पोर्शन क्या होता है, तुमने किया ऐसे ही है, पर अभी मेरा नोज तो ये है और टेल मेरा ये, भले मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मेरा आ रहा बाहर की तरफ है, पर मेरा नोज तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन आप बनाओगे तो मैं छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, बस मेरी बात सुनो, देखो ना एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज ऐसा था, अंगूठा बाहर की तरफ था, तो अपन ने इसलिए इधर बनाया था, देख इधर से रहे भले ही, पर एंटी क्लॉकवाइज अंगूठा अंदर की तरफ आ गया, तो ये भी अंदर की तरफ आएगा डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन क्या हो रहा है, घूम रहा कैसा है लेफ्ट ना, पर ये पोर्शन तो बाहर आ रहा है, वही वही बता रहा हूँ, मेरा डाउट समझ गया, बता रहा हूँ, ऐसा करो ये आया ना, ऐसे भी कर सकते हो, पर ये नहीं करना चाह रहा मैं, छोड़ो ना आप तो बड़ी सी स्टिक ले लो, ये बाहर की तरफ आ गया ना, जा रहा तो लेफ्ट ही है,
नोज तो लेफ्ट ही जा रही है, इधर देखो ना, नोज तो लेफ्ट ही जा रही है, पर ये आया ना, अपने को डायरेक्शन के हिसाब से देखना ना। तो देखो ये क्या, ये तो ये क्या हुआ, एक्टिव, ये रिएक्टिव, नोज डाउन, ये मेरी नोज हुई ना इस बार, तो ये नोज हुई, ट्वेल क्या हो रही, टेल अप, टेल अप हो रही है, समझ में आ रहा है ना भाई, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक्टिव, कैसे ये बनाने कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये डायग्राम से कुछ ही समझ नहीं आता, ठीक है, नहीं अब वो तो बता रहे ऐसे, वरना इसके लिए ना बुकों में दो दो पन्ने लिखे होते हैं, डायरेक्शन कैसे लिखी है, कैसे आ रही है, ठीक है, इसे थोड़ा समझ ले, देख इधर इससे करता हूँ, चलो हैं, ये मेरा ढक्कन हो गया, ये तो मेरा हो गया, ये एरो, ये वाला एरो है ना, ठीक है। अब इधर देखो, प्लेन कहाँ है, लेफ्ट मुड़ रहा है, मुड़ दो ना लेफ्ट, ये लेफ्ट ही तो मुड़ रहा है, ये तो मेरा टेल की डायरेक्शन है, ये तो टेल है मेरा, ये मेरा नोज है, लेफ्ट मुड़ा है मैंने, ये देखो लेफ्ट मुड़ दिया, आ गया कैसे, लेफ्ट, तो ये क्या सॉ, एक्टिव, ये एक्टिव हो गया ना, सुनो ना, एक्टिव रिएक्टिव को देखना ना, इसको ऐसे रख, ये तेरा ना ये ब्लैक पोर्शन हाथ का, उसको ऐसे रख, और हमेशा रिएक्टिव इस पोर्शन पे आएगा, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया एक्टिव रिएक्टिव के लिए। अब देख, ऐसा, ये मुड़ा ना भाई, एक्टिव रिएक्टिव, ये टेल है, अब ये टेल है, टेल ऊपर है तो नोज तो नीचे जाएगी, टेल भी ऊपर, नोज भी ऊपर, प्लेन मुड़ जाएगा भाई, प्लेन ऐसे थोड़ी दौड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलता प्लेन, लेफ्ट मोड़ दिया तो प्लेन ही मुड़ गया अंदर, आधे पैसेंजर मिडिल पोजीशन से सब गायब, किसी कमर कट गई को मतलब नहीं ना उस चीज़ से, समझ रहे हो, टेल ऊपर जा रहा तो नोज तो नीचे जाएगी, लॉजिकल सी बात है, तो गई ना, नोज विल गो, नोज गो डाउन, इजी है, यही क्वेश्चन होते हैं यार, आई ओमेगा, ओमेगा पी तो तुम्हारे बचपन से लिखे हैं, तुमने सीख गया, ठीक है, बस हाँ हाँ यही तो है, आई ओमेगा और ओमेगा भी सब निकाल लेंगे, किसी में तो फंसाएगा आपको, फंसाने वाला, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी। एक और क्वेश्चन देखें, व्यूड फ्रॉम नोज करेंगे अब, नहीं नहीं व्यूड फ्रॉम टेल ही करें, राइट मूव कराते हैं क्लॉकवाइज में, है ना, राइट मूव कराते हैं, सारे टाइप के कर लेंगे अपन, जिससे कोई डाउट नहीं रहे, राइट, नोज कहाँ जाएगी, व्यूड फ्रॉम क्लॉकवाइज, नहीं व्यूड फ्रॉम टेल एंड इंजन रोटेट्स क्लॉकवाइज एंड प्लेन टर्न, प्लेन टर्न्स राइट, ये क्वेश्चन देखो डाउन, समझ में आ गया, तुम भी बताओ फिर आगे बढ़े, डाउन, क्या बात है, पता नहीं कैसे डाउन किया, मुझे समझ नहीं आया इसके डायरेक्शन पर जैसा भी किया सही बताया होगा शायद, देखते अपन, आ जाओ इधर देखो, इंजन रोटेट्स क्लॉकवाइज, इंजन रोटेट्स क्लॉकवाइज, हाँ भैया इंजन रोटेट्स क्लॉकवाइज मतलब अंगूठा तो कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो चलो बाहर की तरफ मतलब उधर की तरफ, बाहर की तरफ, ये लिया राइट, राइट मतलब ये जब भी मैं राइट पोर्शन बनाता हूँ ये क्या होता है, ये प्लेन, ये बोर्ड के बाहर होते हैं, हाँ डाउन ही हो रहा है, ये देख अब की बार कैसे हो गया, ऐसे डालना है, ये हो गया एक्टिव और ये हो गया रिएक्टिव, सही कर रहा था वैसे तो, हाँ ठीक है, ये हुआ एक्टिव, आ रहा है ना तुझे समझ में, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं, ये देख ला ये क्या हुआ, ये तो हाथ बहुत छोटे दिखते हैं, यही तो हाथ है ना, ये दोनों ओर मुड़ जा रहा है ना,
नहीं दोनों ओर सुनो, कैसे भी मोड़ना, तो वैसे तू तो ऐसे मोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे मोड़ रहा है तू, इतना क्यों मोड़ता है, छोड़ ना सिंपल, इतना मुट्ठी बंद कर दे, क्या प्रॉब्लम, ले ले बस बस मुट्ठी बंद कर दे, ओके ओके चलो क्लॉकवाइज मुट्ठी बंद कर दिया, राइट, हाँ यहाँ से लेके वहां चले गए ना, अब यहाँ से एक्टिव घुसाओ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्टिव, हाँ अरे तो कैसे करते तुमको, तो और कुछ चारा ही नहीं, तो ऐसे इस कैसे करेगा, इधर देख ये क्या करेगा, यूं कैसे करेगा, डांस थोड़ी करने आया भाई, इधर नॉर्मल डायरेक्शन निकाल, जबरदस्ती को परेशान होता है, मेरी बात सुनना, या जो डायरेक्शन सिंपल आ रहा है, जो नॉर्मल आ रहा हो ले लो ना, जबरदस्ती यूं करके और ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा तो कैसे यार, मतलब थमने की कोशिश तो करो, डांस थोड़ी करने आया, इधर सीखना है ना अपने को, ये तो बुक की लैंग्वेज से बता दूंगा ना, हिल जाओगे, बुक में तो बताया कैसे कैसे डायरेक्शन बना रखा है, एक्टिव then it will goes this, reactive, this will goes this, and that's how we know that nose will go down. इतना खत्म कर, कुछ होने लगती बच्चों, हुआ क्या है जिंदगी में, कुछ चीज बता रहे हैं डायग्राम में, थोड़ा डांस है भैया, घूमर वूमर कर लो एक सेकंड, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, हाँ वापस देख लो एक बार, फिर बता रहा हूँ, इधर देख, सिंपल है ना, ज्यादा लोड मत ले यार, ये बस इतनी मुट्ठी बंद करना, ये करता क्यों है, इतनी कर, हाँ ये ठीक, राइट कुछ मत कर, सिंपल ले ले, अरे यार ये नहीं, यहां से जा, यहां जा, ये एक्टिव, ये रिएक्टिव, नोज विल गो डाउन, सिंपल, ओके, यही एंटी क्लॉकवाइज कर दूं राइट में, अब तो वैसे मत बता देना सर, आप करके बताओ, इधर से करके बताओ, करके तो एंटी क्लॉकवाइज राइट में, ये देखो, देख ले एक बार, कर ले फिर तू घूमर करेगा अभी, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ राइट 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 में नोज है, टेल नहीं है, नोज है, नोज है राइट में, नोज नोज राइट जाएगी तो टेल का जाएगी, हाँ क्योंकि अब तेरा अंगूठा टेल बन चुका है, ऊपर क्या जा रहा है, टेल नहीं, नहीं इसको समझ नहीं आया, रुक जा, हाँ 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 ठीक है, हाँ नहीं ऐसे नहीं किया, अभी नहीं, गलत कर रहा है बिल्कुल, हाँ ऐसे आया, हाँ हाँ अब वो तो दे, अब इसमें क्या दे, एक्टिव दे, पहले एक्टिव दे, हाँ अब रिएक्टिव दे, हाँ कैसे जा रहा है, नोज नोज ऊपर जा रहा है, सिंपल तो है, हो तो रहा है तुझसे, ठीक है, इसका एक एक तरीका बता, हाँ बोलो, अभी सब करूंगा ना, सब कराऊंगा, सारे केसेस कराऊंगा, परेशान क्यों रहे हो, ठीक है पहले तो ये करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिल रहा अपने को, एंटी क्लॉकवाइज में ये हुआ, अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है हमारा, ये देखो गेरा राइट वो अंदर जा रहा है, मतलब मेरा ये पोर्शन तो अंदर जा रहा है और ये पोर्शन बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, ये मेरा अंदर गया, ये मेरा टेल गया ना अंदर, अब टेल अंदर जाएगा तो नोज तो राइट ही जाएगा, है ना, तो ये क्या हुआ मेरा, देखो यहाँ से ये हुआ है ना, यहाँ से ये हुआ, तो ये एक्टिव, ये रिएक्टिव, सिंपल, कुछ मत करो यार, इतना कर लिया करो, ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, सिंपल है ना यार, एक्टिव रिएक्टिव नोज गो अप, ठीक है, है ना, मसल्स ना आ जाए तेरे हाथ में ध्यान से, हाँ डोले शोले बन जाएंगे, एक्टिव, और ये क्या हुआ यहाँ से, रिएक्टिव, तो यहाँ से क्या हुआ, नोज गो अप इस केस में, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे करना है कोई क्वेश्चन तो, यार टाइम नहीं लगाना, ठीक है, इतना केस हो गया, और क्या केस बचता है यार, सब कुछ अपने इसी से, इसे डायरेक्शन देखा ना, एक नोज की डायरेक्शन देख लेते हैं, समझ तो गए हो, अभी व्यूड फ्रॉम टेल देख रहे थे ना इधर से,
व्यूड फ्रॉम नोज देख लेते हैं आप, है व्यूड फ्रॉम नोज या फ्रंट और इंजन रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, यही है सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, ये व्यू हो गया अब. तो नोज गोज, यही बताना है. अच्छा नोज ऊपर जाएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, टेल विल गो डाउन, यही है क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने, राइट के लिए देखना. सबसे पहले तो इस साइड आना है आपको, कैसे, यहाँ आ जाना है, जहाँ से व्यू है वहाँ से देखोगे आप क्वेश्चन को, मैं यहाँ से देखूंगा इसको, ठीक है. एंटी क्लॉकवाइज कैसे, इंजन रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, हाँ बिल्कुल एंटी जा रहा है बिल्कुल, हाँ हाँ राइट राइट घूमना अपने राइट, अगर हम नोज को इधर लेके जाते हैं, कौन सा अपना राइट इधर लेके जाए, राइट इधर है. ये अंगूठा अभी किसकी डायरेक्शन है, ये अंगूठा किसके बता रहा है, नोज को बता रहा है कि टेल को बता रहा है, तो नोज को कहाँ लेके जाना है आपको, हाँ तो राइट लेके जाओ ना, ये रहा अभी अंगूठा है ना, अभी अंगूठा, अंगूठा कहाँ है, नोज, नोज को लेके जाओ राइट, हाँ हाँ राइट हो गया ना, ये तुझे दिख रहा है ना, पर तेरे को इस डायग्राम के हिसाब से देखना है, तुझे दिख रहा है, तुझे नहीं देखना है, ये देख, ये रहा प्लेन, नहीं इसका ही, ये प्लेन ऐसे खड़ा है, इसी को देखना है, इसका बनाया ना है नोज, इतनी देर से किसको देख रहा था, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है, यहाँ देखो ये चीज़ ऐसा हुआ, एरोप्लेन का ही देखना है, एरोप्लेन, अरे यार उड़ रहा तो एरोप्लेन है यार, एरोप्लेन लेफ्ट में मुड़ेगा तो लेफ्ट में मुड़ेगा ना, या राइट में मुड़ेगा, राइट में, गजब है ये, पता नहीं कैसे सोच लेता ना इतना गहरा, मानना पड़ेगा, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्या ऊपर जा रहा है, क्या ऊपर जा रहा है, एक तो तेरी इमेजिनेशन इतनी तगड़ी ना, क्या कर रहा है यार, मुड़ मत जाना भाई, शरीर वरीर टांग वांग ऊपर लिया है तो सर के, नोज ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ जा रहा है, पलट तो नहीं रहा ना, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ऊपर जा रहा है, गुड गुड, देखते हैं वापस देखो, ये है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी देखो ना यार, घड़ी एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया, अब राइट, इसे समझ में, ये तो एक्टिव और ये रिएक्टिव, तो कहाँ गया, नोज डाउन गया ना, नोज डाउन गया, टेल अप हो गया, हाँ हाँ ये तेरा निकला था ना, समझ आ रहा है, पक्का नोज अप, इसको और करा अंदर, रुक जाए एक बार इसको, हाँ कैसे, व्यूड फ्रॉम, नहीं ये इधर लिखा क्या है, देखो ना व्यू फ्रॉम नोज लिखा तो है, वो तो तुम्हारी मर्जी है, अब जैसे मेरी बात सुनो यार, व्यूड फ्रॉम नोज एंटी क्लॉक इधर गया, मेरी बात सुनो, ये डायरेक्शन था, अभी ऐसे था, राइट कैसा था, सॉरी यू था, एंटी क्लॉक ऐसा था, हाँ ये था ऐसा, राइट ये गया एक्टिव, ये गया रेक्टिव, छोड़ो ये बन गया तुम्हारा नोज, ये बन गया टेल, क्या दिक्कत है यार, पूरा डायग्राम तो है तुम्हारे पास में, ये एक तरह से वो ऐसा मानो ये शाफ्ट था ना, ये शाफ्ट है पूरा, बस शाफ्ट का एक ये एंड है, ये एक एंड है, बस जैसे वहां पर रिएक्शन ले रहता है अपन सी बाई एल, वैसे एक एंड है ये बस, हाँ जब यार हाथ अपनी टेल की तरफ, ये देखो ना सामने टेल रहा, तो ये नोज हुआ ना यार, अब जब ये ऊपर जा रहे तो नोज तो नीचे गई ना, सिंपल सा है, इतना लोड क्यों लेना है, मेरे को पता है बहुतों को डाउट रहता है इस चीज़ में, इसलिए डाउट क्लियर होना चाहिए, अभी अच्छे से क्लियर हो गया, अब चलो इसको थोड़ा और चेंज कर, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक पढ़ाता रहूँगा साला, क्लॉकवाइज बताओ, क्लॉकवाइज राइट में मुड़ना है, और पहले कैसे हो रही थी, इसमें तो डाउन हो रही थी ना, पिछले वाले में डाउन हो रही थी, मैं शायद आप लिख दिया था ना गलती से, हाँ यार मैंने आप लिख दिया था पिछले वाले में, टेल अप जा रही थी, पर नोज का देख रहे हैं ना, नोज से डाउन हो रहा था ना पिछले वाले में, ठीक है ओके ओके, नोज अप हो रहा है इसमें, नोज इसमें
हाँ नोज बिल्कुल ऊपर जा रहा, वेरी गुड, लड़का पकड़ पा। कोई बात नहीं, थोड़ा मरोड़ लेकर दिक्कत है यार। ठीक है यार, और क्या सारे कॉम्बिनेशन तो कर लिए, क्या बच गया अपने पास में? लेफ्ट भी देख लेते हैं, लो आ जाओ, एक और कॉम्बिनेशन बचा है, वो तो कम से कम मैं नहीं करूँगा, मैं फिर पाप लगेगा मुझको, एक तो छोड़ना था तुम्हारे लिए। इसके बाद एक और बचा है, राइट करना है बस। इधर इंजन रोटेट्स क्लॉकवाइज, प्लेन रोटेट, प्लेन टर्न्स लेफ्ट, क्लॉकवाइज प्लेन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट अगर प्लेन टर्न करेगा तो ट्रेन टेल का टर्न करेगी। हाँ इधर क्या लिखा है, नोज टेल ऊपर जाएगा, नोज का जाएगा, डाउन जाएगा बस। ठीक है, तेरे को कंफ्यूज करने के लिए अप डाला था, नाउ डाउन ही जाएगा। ठीक है ठीक है यार, कंप्लीट क्लियर हो गया ना? अरे यार क्लियर होगी चीजें, कहीं डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन करें हम, एक न्यूमेरिकल्स देख लेते क्या चीज है।